जिस जोड़ी से वेल का एक सुकून मिला था, वो अब साला कहने लगा है। <laughs> आपका, आपकी तो, तो नामो निशान नहीं है आपने अब नहीं लगता ऐसे देख के नहीं लगता <laughs> उसमें नहीं लगता था उसमें बड़े साफ सुथरे से ऑल इज वेल करते थे अब तो देख <laughs> के बिल्कुल खड़ूस लगते यकीन मानिए आपको इस फिल्म के बाद जो भी गलतफहमी मेरे बारे में आपको थी हाँ। वो सब दूर हो जाएगी ये दूर करने की कोशिश ही है क्या नहीं नहीं यार एक्चुअली मैं जब मैं तो पला बड़ा बिहार में हूँ हाँ। तो मैं अच्छा? हाँ तो मैं उन लोगों में से था जहाँ पे माए कहती थी कि भैया इस लड़के के साथ मत खेलो ये बर्बाद कर देगा तुम्हें हाँ। तो सारे सारे बच्चे मुझसे दूर रहते थे तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ अभी तक अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं नाइस आपको बॉक्सिंग आती है मैंने सीखी इस फिल्म के लिए Uh, कुछ सात महीने मैंने, मैंने ट्रेनिंग ली और uh, uh, पहले तो मैं uh, बॉक्सिंग सीखा फिर मुझे वो भूल कर uh, पैडिंग सीखना पड़ा जो कि कोचेस करते हैं हाँ। यानी कि सिखाने के लिए एक और जो तरीका होता है वो हाँ। सीखना होता है तो दोनों मैंने की काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो अगर कोई सीखना चाहे तो उसे आप बॉक्सिंग सिखा सकते हैं uh, हाँ पैसे लूंगा लेकिन सिखा सकता हैं अरे आइए भाई साहब आइए क्यों नहीं एक आध दाँव पेज हाँ तो ऐसे बैठे बैठे सीखेंगे क्या ये बॉक्सिंग? नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि आप आप चाहते क्या हैं सर मुझे दस बारह स्टेप जो होते हैं बॉक्सिंग के वो प्लीज सिखा दीजिए मैं भी सबका सामना कर सकूँ पहला होता है आ, इसे कहते हैं जैब ये होता है और ये होता है जैब यानी कि आपको एहसास हो इससे पहले ठाक उसे कहते हैं जैब लेकिन मारते समय आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि आपने आप भी सेम टाइम मार दिए तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना तो इसे कहते हैं जैब दूसरा है स्ट्रेट यानी कि हाथ से सीधा मारा आपने और आ, नाक बदल गया आपका तीसरा है इसे कहते हैं हुक यानी कि साइड में घूम के आता है कि आप साथ सामने देख लो ठाप ये ये जो सीधा आते हैं ना वो उसे कहते हैं हुक और फाइनली जो नॉकआउट पंच होता है उसे कहते हैं अपर कट यानी कि नीचे से यूं दिया आपने कि हाँ उठा के जबड़ा बड़ा उड़ के बाहर करिए और वो नॉकआउट कुछ सीख पाए उट मुझे अच्छा <laughs> सबको ही अच्छा लगता है ट्राई करना चाहते हो मेरे साथ थैंक यू ब्रदर ऑल द बेस्ट थैंक यू लेकिन इसमें जो लीड एक्ट्रेस है जी वो बताया जाता है वो बॉक्सिंग जानती है अच्छी तरीके से और आपको सीखना पड़ा देखिए जब फिल्म इंडस्ट्री में लोग आते हैं हाँ. ना वो कहते हैं हाँ मैं घोड़ा चला लेती हूँ मुझे यू नो बंदूक चलाना आता है मैं थोड़ी बहुत कराटे कर लेती हूँ उस टाइप की लड़की नहीं है ये ये है जो तीन चार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत चुकी हैं हाँ। और जब हमारे एक्शन सीक्वेंस हुआ करते थे तो जो फाइटर्स आते थे ना वहाँ पे उनके साथ रिहर्स करते थे बोलो सर ये एक्चुअली हुआ बीच में तो एक शॉट है कि वो उसको तीन चार लोगों को मारना है और फिर मैं आता हूँ उसको बचाता हूँ और फिर उससे बॉक्सिंग करवाता हूँ उसी गुस्से में तो रिहर्सल में तो वो मेरे तमिल के फाइटर्स थे बोले आने कैसे हैं आप लोग मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ कहते हैं सर ये लड़की नहीं है मैंने कहा हाँ तो गया था, कोई बात नहीं रिहर्सल करे हाँ और जब उसने एक्शन कहा हाँ। तो इसको हमने बताना भूल गया कि भाई असली में नहीं मारते <laughs> उसको लगा मतलब एक्टिंग में तो वो सब कुछ ठीक था पर जहाँ पंचस का सवाल था सर उसने ऐसा गोदा है दो बॉक्सरों को कि वो तो शॉट में तो मार खा लिया उन्होंने <laughs> हाँ। <laughs> फिर आके मुझसे कहते हैं

हा 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 हां इनको एक्सरे दिखाना चाहिए एक दांत ऐसा छोटा हो गया अब उनकी हमारा हीरो हीरो की कंटिन्यूटी खराब हो गई <laughs> लेकिन साला शब्द अभी भी गाली के तौर पर ही देखा जाता है इसे फिल्म के नाम के साथ इसे जोड़ देना नहीं साला तो बड़ा प्यार से कहा जाता है मुझे लगता है कि आई थिंक आप पता नहीं

टू द बहुत बहुत ही मतलब इट वाज वंडरफुल कि आप लोग यहां पर आए और नए साल के आने के मौके पर आपने ये सारी चीजें शेयर की और इसीलिए हम चाहेंगे कि हम तो आप सबको विश कर ही रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर आप भी अपने अंदाज में हमारे सभी दर्शकों को विश करें um बहुत बहुत शुभकामनाएं उम्मीद करता हूं कि ये साल में आपको बहुत सारा प्यार कामयाबी सुख शांति और अपने घर वालों के साथ बहुत सारा वक्त मिले Uh, आप सबको मेरी तरफ़ से नव साल की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपकी सेहत अच्छी रहे और uh, आप नए साल में अपने अपने साला खड़ूस को ढूंढ के निकालें <laughs> और एक कमाल की जादू की झप्पी जाके उन्हें दे कहें कि आपके बिना मैं वो नहीं हो सकता सो इट्स हा ट्रिब्यूट टू साला खड़ोसेस